Hello everyone, welcome you all in our today's lecture. Today we are going to talk about one of the very interesting thing in AC circuit, that is LC oscillation. Basically, last few lectures में हमने देखा था कि कोई भी अगर resistor है purely या pure inductor है, pure capacitor है, तो इनको जब हम किसी भी AC कह सकते हैं voltage source के across connect करते हैं, so effect क्या होगा circuit पे, current और voltage का क्या effect होगा पैरामीटर्स पे, क्या बिहेवियर होगी सर्किट के. सो बेसिकली वी हैव सीन अबाउट प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलसी ऑसिलेशन. बेसिकली एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, वो एसी सर्किट का एक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स है. सो बेसिकली कोई भी अगर कैपेसिटर है, किसी भी चार्ज कैपेसिटर को अगर हम किसी भी इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए. लेट अस कंसीडर एक कैपेसिटर है और ये चार्ज है, क्यू चार्ज है इनिशियली, इस पे क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है और ये इंडक्टर एल है. नाउ एक चार्ज कैपेसिटर को जब एक इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट जो है ऑसिलेटरी सर्किट हो जाता है. ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन सर्किट में बिहेव होता है. से फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन कहते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल है. फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर और इंडक्टर, इसको हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं. सो बेसिकली किसी भी चार्ज कैपेसिटर को जब हम किसी भी इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करता है, यानी ऑसिलेशन हम देख सकते हैं सर्किट में. जो करेंट और वोल्टेज है उनके ऑसिलेशन होते हैं, यानी हम कह सकते हैं चार्ज और करेंट के ऑसिलेशन होते हैं. सो बेसिकली एलसी ऑसिलेशन जो है दैट इज सिंपल, कोई भी अगर चार्ज कैपेसिटर को किसी भी इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन नेचर बिहेव शो करता है. एंड जो चार्ज क्यू है, जो कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है और जो सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है, वो ऑसिलेशन नेचर का होता है, ऑसिलेटरी नेचर का होता है और वो ऑसिलेट करता है सर्टन फ्रीक्वेंसी से. सो बेसिकली इस चीज को हम इस ऑसिलेटरी एलसी ऑसिलेशन या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन को देखेंगे इस लेक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस सर्किट की हम बात करें, लेट अस कंसीडर जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इस इंडक्टर के अक्रॉस, उस पे इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू नॉट था और इससे करंट आई फ्लो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज करंट आई, इससे फ्लो हो रहा है. नाउ सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगेन अगर हम केवीएल लूप लॉ लगाते हैं, केवीएल रूल लगाएंगे, सो बेसिकली करंट आई इससे फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज के अक्रॉस जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है दैट इज माइनस एल ऑफ डीआई बाई डीटी. सो हम कह सकते हैं अगर इस इक्वेशन में हम फर्दर ट्रेवल करें, इस क्वेश्चन इस पूरे सर्किट में अगर हम ट्रेवल करते हैं और केवीएल लगाते हैं, तो बाई अप्लाइंग केवीएल इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. नाउ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माय वोल्टेज किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी. सिंपल इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं इसको, सो वी कैन राइट प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो. नाउ फर्दर अगर इसको हम रीअरेंज अगर करें तो वी कैन से क्यू बाई सी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. नाउ आई को क्यू से कैसे रिलेट करेंगे, एज वी नो आई की जो वैल्यू होती है, आई को क्यू से कैसे रिलेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. नाउ कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था क्यू नॉट, जैसे ही सर्किट कनेक्ट हुआ कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज कैपेसिटर से चार्ज मूव करेगा इसके कारण करंट आया सर्किट में. तो फाइनली हम कह सकते हैं कैपेसिटर पे चार्ज इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज करंट आ रहा है, तो डी क्यू की जगह क्या होगा, माइनस ऑफ डी क्यू, क्योंकि चार्ज डिक्रीज होने के कारण करंट आया, दिस इज माइनस ऑफ डी क्यू. सो डी आई बाई डी टी क्या होगा, अगेन ये है आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, दिस इज माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन है. फर्स्ट आई का क्यू से रिलेशन हुआ माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, अगेन डी आई बाई डी टी हो गया माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो दिस इज क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सिंपल माइनस माइनस प्लस हो गया. फर्दर इस इक्वेशन को
रीअरेंज करें अगर, सो वी कैन राइट, सॉरी वी कैन से डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यर वी कैन राइट वन बाई एल सी दिस इज क्यू इज इक्वल टू जीरो. यानी ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला हमें इस एलसी सर्किट में. यानी किसी भी चार्ज कैपेसिटर को, अगर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नॉट है, कैपेसिटर चार्ज है, सर्टेन एनर्जी स्टोर किया हुआ है, उसको अगर किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है, यानी ऑसिलेटरी ऑसिलेशन बिहेव करता है वो सर्किट. तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया इस सर्किट के लिए डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो. नाउ इस सर्किट को, इक्वेशन को अगर हम रिलेट करें, कंपेयर करें एक इक्वेशन से, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एक्स, दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ अगर ये एलसी सर्किट के लिए एक्सप्रेशन है, इस एलसी सर्किट के लिए ऑसिलेशन का ये इक्वेशन है, और ये एक स्टैंडर्ड सिंपल ऑसिलेटरी मोशन का, हार्मोनिक ऑसिलेशन का ये इक्वेशन है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ये सिंपल एक हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है. नाउ फर्दर अगर इस दोनों, ये सिंपल एक स्टैंडर्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का मोशन है, और ये इस एलसी सर्किट का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें उसका एक्सप्रेशन है. अगर इस दोनों को हम रिलेट करें तो वी कैन इजली से एक्स क्यू से रिप्लेस हो गया और ये ओमेगा नॉट वन स्क्वायर वन बाई एल सी से रिलेट हो गया. इट मीन्स ये जो सर्किट का इक्वेशन आया ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह ही है. इट मीन्स जो सर्किट में बिहेवियर होगा वो ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा. यानी कोई भी अगर चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सर्किट बिहेव करेगा. नाउ उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर इसको हम कंपेयर करें, सो वी कैन से ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एल सी, और हम कह सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एल सी. यानी जो अगर चार्ज कैपेसिटर को हम किसी भी इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा सर्किट में, और वो सर्किट जो है वो ओमेगा नॉट इक्वल टू वन बाय रूट अंडर एलसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा. यानी उस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज वन बाय रूट अंडर एलसी. इसको हम फर्दर ये भी कह सकते हैं जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज वन बाय टू पाई रूट अंडर एलसी. तो ये तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि किसी भी चार्ज कैपेसिटर को अगर इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में ऑसिलेशन होगा, यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगा, सर्किट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह बिहेव करेगा. नाउ इसका अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन का रिजल्ट देखें, यानी इस इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है इस इक्वेशन का. तो सिमिलर फॉर्म में है, सिंपल अगर इसको रिलेट करें ये ऑलमोस्ट इक्वेशन सिमिलर है. तो जो इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आएगा, इसको सिंपल हम ऐसे मेमोराइज करेंगे, कैलकुलेटरी पार्ट नहीं है हमारा ये, तो डी स्क्वायर की ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है उसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या है, इनिशियल हम कह सकते हैं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, और दिस इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. फाइव क्या है, फेज एंगल. नाउ अगर इसको हम रिलेट करें इससे, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जब सर्किट को हमने जैसे ही कनेक्ट किया उस टाइम पे जो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था वो क्या था, क्यू नॉट. यानी कैपेसिटर पे क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे. तो हम कह सकते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट, दिस इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, टाइम है जीरो, सो दिस विल बी जीरो प्लस फाइव. यानी ये कब सेटिस्फाई होगा, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्यू नॉट कब आएगी, जब ओमेगा फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा. तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो जो फाइनल चार्ज का जो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, दिस इज कॉस ओमेगा टी. यानी जो चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो जिस सर्किट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है
और जो Q की ऑसिलेटरी इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से Q ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t. नाउ अगर बात करें हम करंट की, तो अबाउट करंट, I की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ dQ बाई dt. माइनस क्यों लगाया हमने, बिकॉज चार्ज पे, कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर से चार्ज डिक्रीज होने लग रहा है. सो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dQ बाई dt. इसको डिफ्रेंशिएट करें हम, दिस इज Q नॉट साइन ओमेगा t. सो हम कह सकते हैं चार्ज और करंट का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ओमेगा. इसको डिफ्रेंशिएट करें, दिस इज Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t. सो चार्ज का इक्वेशन क्या हुआ, Q नॉट इज इक्वल टू cos ओमेगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t, और करंट का एक्सप्रेशन क्या आया, Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t. नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा t. इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम करंट IM की जो वैल्यू होगी, दिस इज Q नॉट ओमेगा. ये जस्ट IM की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया. तो फाइनली इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने पे जो हमारा एक्सप्रेशन आया, करंट और चार्ज का एक्सप्रेशन जो है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t, और I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t, वेयर IM क्या है, Q नॉट ओमेगा. ये तो सिंपल ओमेगा हो गया, और ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 1/√LC. यानी सिंपल एक ऑसिलेटरी जो सर्किट है, LC ऑसिलेशन जो सर्किट में हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो Q की एक्सप्रेशन है, दैट इज Q नॉट cos ओमेगा t, और I का एक्सप्रेशन क्या है, IM sin ओमेगा t. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर इसको हम एनालिटिकल फॉर्म में देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट में एक्चुअली हो क्या रहा है, सर्किट क्यों ऑसिलेशन कर रहा है. इनिशियली सर्किट पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे चार्ज है Q नॉट. Q नॉट चार्ज होने के कारण कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा. जैसे सर्किट को हमने कनेक्ट किया, करंट I सर्किट से फ्लो होना शुरू हुआ, सर्किट में फ्लो होना शुरू हुआ, कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हो रहा है. तो कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है. यानी फर्दर हम इसको रिलेट करते हैं, इसको जो LC ऑसिलेशन सर्किट में हो रहा है, ये तो हमने देखा मैथमेटिकल, तो एनालिसिस हमने किया कि सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो सर्किट के में इक्वेशन आ रहा है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, और Q और चार्ज का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो हमने ऑब्टेन किया. अगर एनालिटिकल इसकी एनालिसिस करें हम, तो वी कैन से कि इनिशियली चार्ज पे कैपेसिटर पे चार्ज था Q नॉट, तो चार्ज पे एनर्जी, कैपेसिटर पे एनर्जी है U, इलेक्ट्रिकल एनर्जी U कैपेसिटर में स्टोर्ड है. नाउ जैसे ही सर्किट को हमने कनेक्ट किया, चार्ज कैपेसिटर से फ्लो होना शुरू हुआ, यानी अब चार्ज जो है Q वो डिक्रीज होने लगा. चार्ज का डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड है चार्ज के कारण वो भी डिक्रीज होगा. तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के कारण जो I करंट है वो फ्लो हो रहा है सर्किट में, चार्ज के डिक्रीज होने के कारण. तो जब किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, तो इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, यानी अब वो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी यहां पे इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगी, कैपेसिटर में एनर्जी डिक्रीज होने लगी, और वो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो गई क्योंकि करंट के वजह से. यानी हम कह सकते हैं जो इंडक्टिव एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ. नाउ एट ए टाइम, एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो मैक्सिमम जितना चार्ज है कैपेसिटर पे वो सारा फ्लो हो गया, यानी अब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया. इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे क्यू नॉट था, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी यू थी. चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे सर्किट कनेक्ट हुआ, करंट फ्लो हुआ, चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा, यानी मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगा. नाउ एट ए टाइम क्यू की वैल्यू हो गई जीरो, डिक्रीज होते होते क्यू की वैल्यू हो गई जीरो. जब क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, और मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा यू भी, वो मैक्सिमम होगा उस केस में, क्योंकि सारी एनर्जी क्या हो गई, अब करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो गई. नाउ उसके बाद क्या होगा, अब इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी अब इंडक्टर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
So basically, now sorry, this is minus or this is plus. Now, अब क्या होगा? एक बार कैपेसिटर पे चार्ज अगर जीरो हो गया तो कैपेसिटर पे एनर्जी जीरो होगी. नाउ अब ये इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो होता है और करंट चेंज हो रहा है तो करंट इंडक्टर जो होता है वो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, माइनस ऑफ एलडीआई बाय डीटी. यानी इस इंडक्टर के अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा या पोटेंशियल डेवलप होगा. तो ये बैक ईएमएफ क्या करेगा, अब करंट को फ्लो कराएगा. अब करंट इधर से फ्लो होने लगा तो अगेन, अब इस केस में चार्ज जीरो हो गया था, कैपेसिटर पे चार्ज जो था वो जीरो हो गया. नाउ अगेन, अब इंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है. तो जैसे इस इंडक्टर से करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर पे अगेन चार्ज स्टोर होना शुरू होगा. नाउ अगेन कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ. कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ने लगी और मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी. अगेन ये बढ़ते बढ़ते कैपेसिटर की जो चार्ज है वो इंक्रीज होते होते अगेन क्यू इज इक्वल टू फाइनल क्यू नॉट होगा और पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम होगा और जो मैग्नेटिक एनर्जी हो गई वो जीरो हो गई. तो हम देख सकते हैं कि ये ऑसिलेशन हो रहा है. ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक पीरियड के बाद फिर वही ऑसिलेशन, मतलब जो ऑसिलेटरी मोशन हम कह सकते हैं, सिंपल जो हार्मोनिक मोशन होता है. तो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे क्यू नॉट था, पोटेंशियल एनर्जी यू थी. नाउ आफ्टर दैट सर्किट को जैसे ही हमने कनेक्ट किया, कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होने लगी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में. नाउ कैपेसिटर की चार्ज डिक्रीज होते होते जीरो हो गई, अगेन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया. अब क्या होगा कि इंडक्टर करंट फ्लो कराएगा. तो इंडक्टर अगर करंट फ्लो करा रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज अगेन स्टोर होना शुरू होगा और अगेन कैपेसिटर पे चार्ज जो है जीरो से इंक्रीज होगा, यानी क्यू इंक्रीज होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होने लगी, मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. नाउ चार्ज के इंक्रीज होते के बाद फाइनल एक ऐसा एक्सटेंट आएगा जहां चार्ज मैक्सिमम होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, अगेन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड मैग्नेटिक एनर्जी विल बी जीरो. सो हम कह सकते हैं कि अगर केवल चार्ज के बारे में बात करें, अगर इस बात को देखें तो पहले क्यू मैक्सिमम था, क्यू डिक्रीज होना शुरू हुआ, अगेन क्यू जीरो हुआ, फिर क्यू इंक्रीज होना शुरू हुआ, अगेन क्यू क्यू इज इक्वल टू यहां पे मैक्सिमम हो गया. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट, अगर ग्राफिकल एनालिसिस करें, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन क्यों कह रहे हैं, यानी इस एलसी को सीरीज एलसी जो सर्किट है उसको ऑसिलेटरी सर्किट करने का मतलब यह है. और एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा कि वो सिंपल एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन है. सो अगर इसको हम प्लॉट करें तो इनिशियली क्या था, इनिशियली चार्ज मैक्सिमम, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, फाइनली चार्ज हुआ जीरो, चार्ज जीरो हो गया, अगेन चार्ज इंक्रीज होना शुरू होगा. नाउ चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो गया, इनिशियली ये प्लेट पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था. चार्ज जीरो होने के बाद जब इंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो अब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. सो अगेन चार्ज इंक्रीज होना शुरू हुआ. ये जस्ट ए साइन है, ये साइन की वैल्यू है, ये नहीं है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट डजंट मीन. ये साइन की वैल्यू है, दिस इज माइनस क्यू. अगर माइनस के फॉर्म में देखें तो अगेन क्यू की वैल्यू बढ़ी रही है, अगेन क्यू मैक्सिमम रीच होगा. तो इस पॉइंट तक हमने देखा, फिर अगेन चार्ज जब दिस इज पॉजिटिव दिस इज माइनस हो गया, फिर चार्ज ऑसिलेट करेगा, फिर चार्ज इंक्रीज होगा, फिर जीरो होगा, देन. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, कोसाइन ग्राफ है. सो एज वी कैन सी द चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है सर्किट में. चार्ज के ऑसिलेशन के अगर कर रहा है तो ऑब्वियस बात है करंट भी ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि अगर कोसाइन का हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो साइन की वेव होगी और साइन भी ऑसिलेटरी मोशन है और कोसाइन भी. सो बेसिकली जो एलसी सर्किट है वो ऑसिलेटरी मोशन शो करती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन शो करती है जस्ट, और जिसमें जो चार्ज की एक्सप्रेशन है क्यू और आई दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन होता है, दोनों ऑसिलेट करता है एट ए टाइम, मतलब किसी भी टाइम ड्यूरेशन में वो एक पीरियोडिक मोशन करता है और वो ऑसिलेट करता है टाइम के अक्रॉस. नाउ इस एलसी ऑसिलेशन में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है, इंटरेस्टिंग फीचर हम कह सकते हैं कि ये जो एलसी ऑसिलेशन सर्किट में हो रहा है ये जस्ट एनालॉगस टू है कि अगर एक स्ट्रिंग है, लेट अस कंसीडर दिस इज स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को अगर हम ब्लॉक से कनेक्ट कर दें और इसको हम एक्सटेंड करके छोड़ दें तो जो ऑसिलेशन इसमें होता है सर्किट में, क्योंकि स्ट्रिंग ब्लॉक को हमने यहां लिया छोड़ दिया,
तो अगेन ब्लॉक यहां आएगा, फिर ब्लॉक वापस इस पोजिशन पर जाएगा. सो ये एक ऑसिलेशन होता है स्ट्रिंग और ब्लॉक के कॉम्बिनेशन का. ये दोनों फीचर्स, दोनों जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग, इलेक्ट्रिकल केस में एल और सी का कॉम्बिनेशन और मैकेनिकल केस में ब्लॉक और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ऑसिलेशन जो है वो एक दूसरे के एनालॉगस है. कैसे एनालॉगस है उसको हम देखेंगे. दिस इज द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग. ये ऑसिलेशन है जो है दोनों एक अलग अलग, ये मैकेनिकल ऑसिलेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन. ये दोनों ऑसिलेशन एनालॉगी है एक दूसरे के, सम और एनी मीन्स में ये सिमिलर बिहेवियर इनके शो होते हैं. इसको फर्दर हम रिलेट करेंगे. कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है, एलसी सर्किट की जो प्रॉपर्टी, वो हमने देखा चार्ज इनिशियल कैपेसिटर पे क्यू नॉट था, जैसे टाइम चेंज हुआ चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ और करंट चेंज हो रहा है, अगेन चार्ज फिर जीरो अटेंड हुआ, देन अगेन चार्ज जीरो से इंक्रीज होना शुरू हुआ और फिर फाइनल क्यू नॉट गया. सिमिलर वे में अगर मैकेनिकल सर्किट की बात करें, ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ब्लॉक, इस केस में क्या होता है, लेट अस कंसीडर कि ये हमारा मेन पॉइंट है x is equal to 0. अगर इस ब्लॉक को हमने एक्सटेंड किया यहां पे x is equal to a मैक्सिमम पॉइंट पे और यहां से इसको छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो फर्दर डिक्रीज होने लगेगी, यानी x डिक्रीज होना शुरू हुआ. इसको हम रिलेट करेंगे q से, जैसे इनिशियल क्या था चार्ज q डिक्रीज होना शुरू हुआ, सिमिलर वे में x डिक्रीज होना शुरू होगा और x जीरो अटेंड होगा, अगेन q भी जीरो अटेंड होता था, फिर q इंक्रीज होना शुरू होगा और सॉरी x इंक्रीज होना शुरू होगा, एक मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा, फिर अगेन x की डायरेक्शन चेंज होगी और x फिर जीरो अटेंड होगा. यानी सेम वे में अगर इस x को q से हम रिलेट करें कि चार्ज q पहले q नॉट मैक्सिमम था, फिर डिक्रीज होकर जीरो गया, फिर q नॉट अटेंड हुआ, तो सेम x मैक्सिमम से जीरो, जीरो से x नॉट. ये मोशन क्या होता है, एक्चुअली जब हमने इसको यहां से लीव करते हैं तो ये स्ट्रिंग एक्सटेंड है. जब स्ट्रिंग एक्सटेंड होता है तो स्ट्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है kx. किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम x अमाउंट से एक्सटेंड करते हैं, x डिस्प्लेसमेंट लाते हैं, तो वो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है, स्ट्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा kx, उसके कारण ये ब्लॉक वापस इनिशियल स्टेज में आना चाहेगा और ये फिर यहां से फाइनल पोजिशन पे आएगा. एक बार फॉर एग्जाम्पल इसको हमने नॉर्मल पॉइंट से इस साइड एक्सटेंड किया तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट साइड लगेगी. नॉर्मल पॉइंट पर आने के बाद स्ट्रिंग फिसल गया, अब ये नॉर्मल पॉइंट से इस साइड है, स्ट्रिंग कंप्रेस है, कंप्रेस में क्या होगा, स्ट्रिंग आउटसाइड फोर्स लगाएगा तो अगेन ये फिर यहां पे आएगा. तो बेसिकली ये टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है. तो मैकेनिकल जो सिस्टम है, इस स्ट्रिंग का और ब्लॉक का जो मैकेनिकल सिस्टम है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो कर रहा है, वो सेम एनालॉगी है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में L और C को हम कनेक्ट करते हैं तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है. इसको अगर पार्ट में हम डिवाइड करें इस पूरे सर्किट को, पूरे कॉम्बिनेशन को, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि इनिशियल क्या था. अगर इनिशियल टाइम t इक्वल टू जीरो की बात करें तो चार्ज q और इससे कोई इंडक्टर कनेक्टेड है. लेट अस कंसीडर सर्किट इनिशियली ओपन था. इस केस में अगर एनर्जी से हम रिलेट करें तो इनिशियली यहां चार्ज था q नॉट, यानी यहां q नॉट चार्ज है. तो किसी भी कैपेसिटर पे अगर चार्ज है q नॉट तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी q स्क्वायर बाई 2c. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गया q स्क्वायर बाई 2c. करंट में सर्किट अभी ओपन है तो सर्किट से कोई करंट रीफ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट विल बी जीरो. नाउ अगर हम बात करें स्प्रिंग सिस्टम की, स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम की, इसको हमने इलॉन्गेट किया एक्स डिस्टेंस से, नॉर्मल से एक्स पे, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस टाइम पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है और स्ट्रिंग एक्स डिस्टेंस इलॉन्गेट है, तो स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्ट्रिंग में, दिस इज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर. लेट अस कंसीडर ये एक्स है, दिस इज हाफ ऑफ, हम कह सकते हैं हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक में होगी वो जीरो होगी क्योंकि ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा. तो ये इनिशियल केस था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडक्टर को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू नॉट, सर्किट ओपन है. तो इस केस में मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी दैट इज
q naught square by 2c. Sorry, this is 2c. Now, अगर बात करें हम इंडक्टर केस में, तो क्योंकि करंट सर्किट से फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट अभी ओपन है, सो इंडक्टिव एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी इंडक्टर में, दैट विल बी जीरो. इसको रिलेट करते हैं हम मैकेनिकल सिस्टम से. इस केस में हमने ब्लॉक को मैक्सिमम इलोंगेट किया. अभी ये रेस्ट में है तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. स्ट्रिंग एक्स लेंथ इलोंगेट है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग में क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड स्टेज देखते हैं, जब हमने सर्किट को कनेक्ट किया. नाउ व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, सर्किट से जब कनेक्शन हो गया तो आई करंट फ्लो हुआ और चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ. नाउ इस चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, बट सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पे, अभी इस स्टेज में चार्ज जीरो नहीं हुआ है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, नॉट जीरो. और इंडक्टर में अब करंट फ्लो होने लगा, तो इंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में जो मैग्नेटिक स्टोर एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी हाफ एल आई स्क्वायर. यानी इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो. इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी वो कैपेसिटर में थी. जब सर्किट को हमने कनेक्ट किया तो एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हुई, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हुई और वो मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होने लगी इंडक्टर में, यानी मैग्नेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है. नाउ बात करते हैं, अब अगर इसको रिलेट करें मैकेनिकल सिस्टम से, लेट अस कंसीडर ये ब्लॉक अब यहां से हमने छोड़ दिया तो ये मूव करना शुरू हुआ इधर. नाउ अगेन मूव करना शुरू हुआ और ये नॉर्मल पॉइंट था, तो लेट अस कंसीडर अभी एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं आया, नॉर्मल पॉइंट पे नहीं आया अपने, सो पोटेंशियल एनर्जी भी नॉन जीरो होगी क्योंकि कुछ इलोंगेशन है और ब्लॉक मूव भी कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो होगी. तो ये तो सर्किट को कनेक्ट करने के बाद से एनालॉगी है. थर्ड एनालॉगी क्या हो सकता है कि एक स्टेज के बाद लेट अस कंसीडर कि चार्ज जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होते होते जीरो अटेंड हो गया, यानी यहां क्यू इज इक्वल टू अगर जीरो है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि चार्ज अब इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता, चार्ज जीरो हो गया, डिक्रीज होते होते जीरो हो गया, यानी मैक्सिमम डिक्रीज हो गया, तो करंट हो गया मैक्सिमम. इस केस में चार्ज अगर जीरो है कैपेसिटर पे तो एनर्जी भी जीरो होगा, यानी ये एनर्जी हो गया जीरो. और जो मैकेनिकल एनर्जी इंडक्टर में मैक्सिमम, क्योंकि करंट अब सर्किट में मैक्सिमम हो गया, चार्ज यानी जीरो हुआ तो करंट हो गया मैक्सिमम. इस केस में इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि अगर करंट मैक्सिमम है तो इंडक्टर में भी मैक्सिमम एनर्जी होगा. तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एल आई एम स्क्वायर, ये मैक्सिमम है. अगर इसको हम एनालॉगी को मैकेनिकल से रिलेट करें, मैकेनिकल सिस्टम से, वी कैन से लेट अस ये ब्लॉक को हमने छोड़ा, ये मूव करते करते x इक्वल टू जीरो पे आ गया. नाउ x इक्वल टू जीरो पे जब आया तो स्ट्रिंग की इलोंगेशन अब जीरो है, पहले इनिशियली x था, ये डिक्रीज होते होते जीरो पे आया. जब स्ट्रिंग में इलोंगेशन जीरो है तो ऑब्वियस बात है उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है स्ट्रिंग केस में, हाफ के एक्स स्क्वायर. जब एक्स ही जीरो है सो एनर्जी विल बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया. इस केस में जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि इनिशियली जब हम स्ट्रिंग को छोड़ रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इधर ही आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा है, तो ये स्पीड को इंक्रीज करेगा. तो इस केस में जब ये नॉर्मल पॉइंट से ब्लॉक इधर मूव करेगा, यानी एक्स इक्वल टू जब इधर मूव किया तो अगेन वेलोसिटी इधर है और रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, सो ये वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहेगा, यानी यहां मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस केस में. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ इसमें, मैक्सिमम हाफ एम बी स्क्वायर, यानी ये एनालॉगी हम कह सकते हैं. अगेन फर्दर इसको रिवर्स करते हैं, अब क्या हुआ, ये इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गया. नाउ अब ये इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, यानी अब करंट इधर से जब फ्लो हुआ तो करंट अगेन क्यू इक्वल टू जीरो से इंक्रीज होना शुरू होगा, और q इक्वल टू जीरो से जब इंक्रीज होना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, या हम फर्दर इसको एक अलग सर्किट में देखते हैं. ये थ्री एनालॉगी तो क्लियर हो गया. नाउ दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ केस में क्या होगा, ये कनेक्ट है. फोर्थ केस में क्या होगा कि अब इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गया, इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुआ, तो इंडक्टर बैक ईएमएफ के कारण इंडक्टर करंट, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव हुआ और करंट इधर से फ्लो होगा.
तो चार्ज सेटन क्यू इज इक्वल टू जीरो से चार्ज बढ़ने लगेगा, यानी कैपेसिटर पे चार्ज अब इंक्रीज होना शुरू हुआ। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज था क्यू नॉट, नाउ जैसे हमने सर्किट कनेक्ट किया चार्ज क्यू नॉट से डिक्रीज होते होते जीरो अटेंड हुआ। फाइनली जब चार्ज जीरो हो गया तो अब इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी है, तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट को फ्लो कराना चाहेगा, यानी अब करंट फ्लो होना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में, तो चार्ज जीरो से सर्टेन वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब पॉजिटिव ये हो गया माइनस ये, इनिशियली पॉजिटिव ये था प्लेट, निगेटिव ये था। चार्ज जीरो होने के बाद से जब करंट चार्ज फिर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ये हुआ और निगेटिव ये, यानी इस केस में अगेन पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगा क्योंकि चार्ज जीरो से कुछ बढ़ने लगा, और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो होगा। हालांकि ये जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस केस में इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी आ गया, अब इंडक्टर एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो जब इंडक्टर एनर्जी सप्लाई करेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से डिक्रीज होना शुरू होगा। सॉरी दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। अगर इस एनालॉजी को हम रिलेट करें मैकेनिकल सिस्टम से तो फर्दर, अब ये नॉर्मल पॉइंट था, ये ब्लॉक नॉर्मल पॉइंट पे आया, फिर इधर मूव किया, यानी अब एक्स डिस्टेंस इधर मूव हो गया नॉर्मल पॉइंट से, तो अगेन ये एक्स डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक को हमने, ये स्प्रिंग से ब्लॉक यहां था, उसके बाद से ब्लॉक यहां से आया नॉर्मल पॉइंट, जब नॉर्मल पे आया तो स्ट्रिंग में इलोंगेशन जीरो है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग में जीरो होगा। अगेन ये मूव किया एक्स डिस्टेंस इधर, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स इस पे जो फोर्स रहेगा वो इस, अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम कह सकते हैं अब इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, और ये सर्टेन अमाउंट से स्ट्रिंग कंप्रेस भी हुआ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल भी नॉन जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है। नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, यानी ये फोर्थ पार्ट देख लिया, नाउ द फिफ्थ पार्ट, अगेन फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ स्टेज में चार्ज जैसे जैसे यहां पे इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, पहले चार्ज जीरो था, क्यू था, क्यू नॉट था, उसके बाद चार्ज जीरो हुआ, फिर चार्ज जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, लेट अस कंसीडर कि बढ़ते बढ़ते चार्ज फिर मैक्सिमम रीच किया क्यू नॉट, यानी दिस इज ये सीनरी हुआ। नाउ ये पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, अब ये हो गया क्यू नॉट, जब चार्ज मैक्सिमम हुआ है मीन्स पहले इनिशियल चार्ज यहां पॉजिटिव था या निगेटिव था, क्यू नॉट था इनिशियल स्टेज में, ये एनर्जी चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ और करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, जब करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर पे एनर्जी भी स्टोर जो हो रही है मैग्नेटिक फॉर्म में वो भी इंक्रीज होना शुरू हुई, आफ्टर दैट क्यू जीरो हो गया, जब क्यू जीरो हो गया तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है, नाउ अब एनर्जी इंडक्टर में है तो अब ये करंट फ्लो करा रहा है, जब इंडक्टर करंट फ्लो करा रहा है तो इस पे चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, चार्ज के इंक्रीज होने के कारण करंट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, करंट की डिक्रीज होगी क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे एनर्जी इसमें डिक्रीज होगा क्योंकि ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही है, पहले पोटेंशियल एनर्जी ये था फिर एनर्जी यहां से यहां आया, अब एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी इस फॉर्म में, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो अगेन हम कह सकते हैं इंडक्टर की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ रहा है, ये स्टेज था। इसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन अमाउंट मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, यानी क्यू नॉट, जब यहां चार्ज क्यू नॉट स्टोर हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम अगेन क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। नाउ प्लेट रिवर्स, पोटेंशियल इसकी रिवर्स, पोलैरिटी चेंज हो गई, प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो गई बट पोटेंशियल एनर्जी सेम क्यू स्क्वायर बाय 2c और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हुआ, जीरो, यानी इनिशियली चार्ज जो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम था यहां से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते ये मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर की जो एनर्जी है वो जीरो हो गई। इसको अगर एनालॉजी हम कंसीडर करें मैकेनिकल सिस्टम से, ये नॉर्मल पॉइंट था, अब ये क्या हुआ, यहां से आके ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गया एक्स, जब मैक्सिमम आ जाएगा तो मैक्सिमम आके ये रेस्ट में आ जाएगा, यानी यहां जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कंपेयर करते हैं, ब्लॉक यहां से मूव किया नॉर्मल पॉइंट पे आया, अगेन इसको मूव करते करते ब्लॉक जब यहां आया इस पॉइंट पे ब्लॉक रेस्ट में आ गया क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि अपोज कर रहा है, तो फाइनली ब्लॉक जब रेस्ट में आएगा यानी इसके बाद ब्लॉक अब नहीं मूव कर सकता, अब ये इधर मूव करेगा, तो इस टाइम पे जब मैक्सिमम इलोंगे कंप्रेशन हो गया तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर
और वेलोसिटी जीरो हो गई यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो पांच स्टेप था ये, फाइव जो स्टेप्स हमने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही इंडक्टर को हम कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो कैपेसिटर की चार्ज फर्स्ट डिक्रीज होना शुरू हुई, देन कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हुआ, अगेन कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होना शुरू हुआ और प्लेट की रिवर्स पोलैरिटी हो गई। इंक्रीज होते होते कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हुआ, फिर जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो गया तो इंडक्टर की करंट की वैल्यू फिर जीरो हो गई। ये एनालॉगी थी। अगर एनर्जी के फॉर्म में बात करें, अगर एनर्जी से रिलेट करें, कैसे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिशियली क्या था, कैपेसिटर में एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है तो इस केस में कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी थी। नाउ जैसे ही सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं करंट फ्लो होता है सर्किट में और कैपेसिटर से चार्ज डिक्रीज होता है, तो जो मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे वो डिक्रीज, जो मैक्सिमम एनर्जी है कैपेसिटर में वो डिक्रीज होना शुरू हुई, तो और इंडक्टर में करंट की वजह से इंडक्टर में एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई। यानी जो एनर्जी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहां एनर्जी डिक्रीज हो रही है और यहां इंक्रीज हो रही है, यानी जो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। फाइनली एक स्टेज आया कि जब कैपेसिटर पे चार्ज हो गया जीरो, यानी ये टोटल एनर्जी इसकी जीरो हो गई। इट मींस कि जो जितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें इनिशियली स्टोर था वो सारा एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में आ गया, इंडक्टर में स्टोर हो गया। यानी कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी थी वो इंडक्टर में स्टोर हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्जन हो गया मैग्नेटिक एनर्जी में। अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अब ये इंडक्टर करंट सप्लाई कर रहा है, यानी इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है वो अब डिक्रीज होना शुरू हुआ। ये करंट जब सप्लाई करेगा तो अगेन कैपेसिटर पे क्या होगा, चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। यानी अब ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये जो इंडक्टर की मैकेनिकल मैग्नेटिक एनर्जी है वो अगेन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एक स्टेज आएगा कि जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर में एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी अब ये जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी की भी ऑसिलेशन हो रही है, यानी इनिशियली एनर्जी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था कैपेसिटर में। नाउ ये एनर्जी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा इंडक्टर में। फाइनली एक स्टेज आएगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदल गया। नाउ अगेन ये मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लगेगा। फिर एक स्टेज आएगा ये मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में हो गया। सो हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर ये पीरियोडिक मोशन है, ये एनालॉजी तो क्लियर हो गया होगा। सो वी कैन से कि ये जस्ट अ पोलैरिटी है कि यहां ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। अगेन मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदलने लगा। नाउ अगेन ये मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि चार एनर्जी जो है वो भी ऑसिलेशन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नेटिक में, अगेन मैग्नेटिक से पोटेंशियल में। सो दैट्स व्हाई ये सर्किट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इंडक्टर का और कैपेसिटर, इंडक्टर का कैपेसिटर का, वो ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी फिनोमिनन होती है, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करती है। नाउ ये हमने एनर्जी से भी एनालिसिस देखा, फर्दर मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखा। नाउ टॉकिंग अबाउट एनर्जी, यानी इस सिस्टम में जो एलसी सिस्टम होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी की अगर हम बारे में बात करें तो एनर्जी कांस्टेंट होती है सिस्टम में, यानी नेट एनर्जी, ऐसा हम देख सकते हैं कि हमने एनालिसिस भी देखा कि मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में था वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो नेट एनर्जी है सिस्टम में वो कांस्टेंट होगी। तो लेट अस कंसीडर इनिशियल क्या था, जब करंट कोई नहीं फ्लो हो रहा था सर्किट में, यानी जब ये कंडीशन था इस पे मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट था, यानी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी और मैग्नेटिक एनर्जी होगी जीरो। तो नेट एनर्जी इनिशियल केस में क्या था, यू नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। ये कांस्टेंट एनर्जी मेंटेन रहती है सर्किट में, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मींस
पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, कुछ अमाउंट मैग्नेटिक एनर्जी का होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, बट जो नेट एनर्जी होगी सिस्टम में दैट विल बी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। यानी किस टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे अगर हम बात करें सर्किट में एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टाइम टी पे जो न्यू नेट होगा दैट इज दिस इज यू पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। यानी किसी भी टाइम टी पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड है, तो न्यू नेट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, ये तो आइडियल केस है जो हम LC ऑसिलेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, कि L और C के बीच में ऑसिलेशन है, अगर इस दोनों को कनेक्ट करते हैं यानी किसी भी चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में ऑसिलेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट आइडियली क्या, ये तो आइडियल है, प्रैक्टिकल क्या होता है कि जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या हम कह सकते हैं एनर्जी पोटेंशियल से मैकेनिकल में जा रहा है, फिर मैकेनिकल से पोटेंशियल, ये मोशंस कंटिन्यूअस, मतलब ये फिनोमिनन। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल केस में। एक्चुअली होता क्या है कि जो एनर्जी पोटेंशियल से मैकेनिकल में जा रही है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है सराउंडिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है फर्दर यूनिट्स में हम देखेंगे, बट अभी ये जानते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है रेडिएशन के फॉर्म में मतलब फ्लो होता है। तो जब एनर्जी कुछ रेडिएशन में स्टोर हुआ तो हम देखेंगे कि जो नेट सिस्टम की एनर्जी होती है वो टाइम पे डिक्रीज होने लगती है, टाइम टू टाइम पे डिक्रीज होने लगती है। यानी अभी हमने देखा कि नेट आइडियल केस में क्या होता है कि नेट जो एनर्जी होती है सिस्टम में कॉन्स्टेंट होता है, बट प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट होती है, तो नेट एनर्जी जो है सिस्टम का डिक्रीज होने लगता है। तो सिस्टम की एनर्जी जब डिक्रीज होने गई होते गई तो फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नेट सिस्टम की एनर्जी पूरी रेडिएट हो गई। तो पूरी रेडिएट होने का मतलब क्या हुआ, सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, यानी जो ऑसिलेशन हो रहा है कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है वो डाई आउट हो जाएगा, यानी वो कंप्लीट ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है, बट हम आइडियली बात कर रहे हैं कि अभी कोई अपोजिशन नहीं है, कोई एनर्जी रेडिएट के फॉर्म में नहीं हो रहा है, मतलब कोई एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है, और सेकेंडली इंडक्टर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर इंडक्टर में रेसिस्टेंस, प्रैक्टिकल क्या होता है, इंडक्टर में रेसिस्टेंस भी होता है, क्यों, क्योंकि कॉइल है, कंडक्टर है वो, तो रेसिस्टेंस होगी जो करंट को अपोज करेगी। बट हम यहां कंसिडर कर रहे हैं कि आइडियल इंडक्टर है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। बेसिकली ये LC ऑसिलेशन आइडियल है, इंडक्टर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और वी कैन से कि कोई भी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा है। सो आइडियल केस में क्या होता है, LC ऑसिलेशन में एनर्जी किसी भी टाइम टी पे, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है इंडक्टर में और पूरे सिस्टम में, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। नाउ हमने देखा कि इन दोनों को हम मैकेनिकल सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी जो LC सर्किट हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऑसिलेटरी सर्किट कैपेसिटर और इंडक्टर का, इसको मैकेनिकल सिस्टम से भी हमने रिलेट किया, दैट इज एक स्ट्रिंग और एक ब्लॉक का। नाउ इसकी अगर एनालॉजी के बारे में हम बात करें, यानी दिस इज अगर ये मैकेनिकल सिस्टम है और दिस इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। नाउ इन दोनों केस में अगर इन दोनों का एनालॉजी अगर हम कंपेयर करें, तो मैकेनिकल सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल फॉर्म में होती है, यानी ये मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। एक एनालॉजी ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल सिस्टम में जो मास होता है, दिस इज मास, ये किसके कंप्रेसर में होता है, इलेक्ट्रिकल में इंडक्टर के कंप्रेसर में होता है। यानी अगर जो स्ट्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में जो मास काम कर रहा है, जो ब्लॉक का मास काम कर रहा है, वो सेम काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टर करता है। अगर एनालॉजी की बात करें फर्दर, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट K की जो वर्क होता है इस मैकेनिकल सिस्टम में, वो सिमिलर होता है 1/C की, यानी कैपेसिटर की रेसिप्रोकल की जो वैल्यू होगी वो K के एनालॉजी है। नाउ थर्ड क्या है, X डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम में, वो सेम एनालॉजी है चार्ज Q के। नेक्स्ट इज dx/dt, यानी dx/dt की अगर बात करें V, ये सेम है एनालॉजी किसके, I के, I इज इक्वल टू dq/dt। सो जस्ट ए काइंड ऑफ कंपेरिजन है कि जो LC ऑसिलेशन की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यानी चार्ज कैपेसिटर को जब इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो जो LC ऑसिलेशन होता है
वो सेम एनालॉगी है एज कंपेयर टू एक स्ट्रिंग को अगर हम ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं तो जो ऑसिलेशन हो रहा है। एनालॉगी हम देख सकते हैं इसमें मास L के कंपेरिजन है, K 1 बाई सी के कंपेरिजन है, X Q के कंपेरिजन है और V इज इक्वल टू I के कंपेरिजन है। नाउ एक लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, वी कैन सी इन दिस LC ऑसिलेशन, यानी LC ऑसिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एज वी हैव सीन की जो एनर्जी होती है किसी भी टाइम T में वो कॉन्स्टेंट होती है, यानी LC और अगर आइडियल LC ऑसिलेशन सर्किट की हम बात करें तो जो एनर्जी सिस्टम में होती है टोटल सिस्टम में जो स्टोर्ड होती है इस सर्किट में दैट इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कुछ पोटेंशियल फॉर्म में होगी कुछ मैकेनिकल में, पोटेंशियल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, बट जो नेट एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो। इसको कैसे हम करेंगे रिलेट, किसी भी टाइम टी पे क्यू कितना है, क्यू है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी और आई कितना है इस सर्किट के, यानी एलसी ऑसिलेशन में हमने देखा कि क्यू की जो एक्सप्रेशन होती है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, आई की एक्सप्रेशन थी क्यू नॉट दिस इज ओमेगा और दिस इज साइन ओमेगा टी। नाउ किसी भी टाइम टी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, अगर इसको हम यू ई से करते हैं दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहां लिख सकते हैं क्यू नॉट स्क्वायर बाई दिस इज अगेन 2C, दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। नाउ यानी किसी भी टाइम टी पे चार्ज के एक्सप्रेशन, दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर आई एंड दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नाउ अगर मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करें बीयू मी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है किसी भी टाइम टी पे वो क्या होगा, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करें आई की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो दिस इज हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा एंड दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ एक रिलेशन हमने और देखा था कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है 1 बाई रूट अंडर LC, अगर इससे यहां इक्वेशन से अगर L हम फाइंड करें तो वी कैन सी L इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर LC, ये ओमेगा नॉट की, ये ओमेगा नॉट है, दिस इज ओमेगा नॉट, सो वी कैन से अगेन दिस इज ओमेगा नॉट, यानी L इंटू ओमेगा स्क्वायर नॉट की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। फर्दर इस L को अगर हम यहां रखते हैं सिंपल, इस L की ये जो ओमेगा नॉट है, जो ऑसिलेशन आया, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आई दैट इज 1 बाई रूट अंडर LC, इस यहां से हमने L फाइंड किया, इस L को हम इस सर्किट में इक्वेशन में रखेंगे तो फर्दर म्यू बी जो है वो क्या होगा, दिस इज अगेन क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी फर्दर हम रिलेट करते हैं कि किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे जो LC ऑसिलेटरी सर्किट होता है उसमें चार्ज का एक्सप्रेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट का एक्सप्रेशन दिस वन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है उसका एक्सप्रेशन क्या आया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और किसी भी टाइम टी पे मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर हो रहा है उसकी एक्सप्रेशन क्या आई, अगेन क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी एट ए टाइम टी, नाउ बात करते हैं कि टाइम टी में जो नेट एनर्जी स्टोर होगी, इसी भी टाइम टी पे नेट एनर्जी स्टोर होगी यू इलेक्ट्रिकल यानी पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, यानी किसी भी टाइम टी पे जो नेट एनर्जी होगी सिस्टम में, इंडिविजुअली जो टाइम टी पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक एनर्जी इतनी स्टोर्ड है, सो एट ए टाइम टी पे जो नेट एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, उसको हम कह सकते हैं यू नेट। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सम करें मींस क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, नाउ कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी क्या होता है 1, सो फाइनल जो यू नेट आएगा दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C। यानी जो नेट एनर्जी होगी सिस्टम में, LC ऑसिलेटरी जो सर्किट है, L और C का कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बना, यानी एक कोई भी चार्ज कैपेसिटर को हम अगर इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो जो LC ऑसिलेशन होता है उस केस में किसी भी टाइम टी पे जो नेट एनर्जी सिस्टम में होगी दैट इज
क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, कंजर्व होती है एनर्जी सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, मैग्नेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्जन हो सकता है, बट जो नेट एनर्जी होगी सिस्टम पे किसी भी टाइम टी पे, दैट विल बी कॉन्स्टेंट क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने देखा अबाउट द एलसी ऑसिलेशन। फ्यूज लास्ट के फ्यू लेक्चर में हम सिंपल प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेसिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में देख रहे थे, बट इस लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी चार्ज अगर कैपेसिटर है उसको एक इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट की क्या बिहेवियर होगी, दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। यानी कोई भी चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, चार्ज और करंट ऑसिलेटरी मोशन शो करता है, ऑसिलेटरी बिहेवियर शो करता है। नाउ एनर्जी जो होता है टोटल सिस्टम में वो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। सो बेसिकली इस लेक्चर से जो एलसी ऑसिलेशन का कंप्लीट एनालॉगी मीन्स एनालिसिस है वो हमने देखा, फर्दर देखा कि एलसी ऑसिलेशन जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है उसको मैकेनिकल ऑसिलेशन यानी स्ट्रिंग और ब्लॉक के कॉम्बिनेशन का जो ऑसिलेशन है उसको कैसे हम एक दूसरे को मैकेनिकल ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को कैसे कंपेयर करके एनालॉगी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर एलसी ऑसिलेशन। So that's all for this lecture, and we will join in the next lecture with a new topic. Thank you.